ये देखिए फ्रेंड्स, आज मैंने बनाया है बहुत ही मज़ेदार सब्जी, कटहल का कोफ्ता। आइए बताती हूँ मैं कैसे बनाई हूँ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, मजे कर रहे होंगे। तो आज मैं फिर से अपने ब्लॉग में आप लोग सबका स्वागत करती हूँ। आइए और हम दिखाते हैं आपको कि आज क्या बनाने जा रहे हैं, नई रेसिपी जो मैं आप लोग से शेयर कर रही हूँ। एक बार इस तरह से आप भी बना के देखिए और बताइए कि कैसा लगा मेरा रेसिपी। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मजेदार कटहल का कोफ्ता। तो उसी का रेसिपी मैं आप लोग से शेयर कर रही हूँ। तो आइए दिखाती हूँ मैं, उसके लिए मैंने क्या क्या लिया है। ये देखिए, ये पहले मैं मसाला दिखा दे रही हूँ। ये दो से चार प्याज छोटा छोटा था मेरा, उसको हमने अच्छे ये मिक्सर ग्राइंडर में चॉप कर लिया है। बहुत ये फाइन पेस्ट नहीं बनाया है, इस तरह से हल्का सा खड़ा खड़ा ही इसको चॉप कर लिया है। और ये दो टमाटर लिए हैं, इसको भी मिक्सर ग्राइंडर में चला देंगे। ये लाल वाला टमाटर है फ्रेंड्स, एक ये इसमें रस बहुत कम होता है। और ये है नमक स्वाद के अनुसार, ये अदरक लहसुन और एक लाल मिर्च का पेस्ट है। और ये देखिए, ये कश्मीरी मिर्च है, ये हल्दी पाउडर है, ये गोल मिर्च पाउडर है, ये जीरा पाउडर और ये धनिया पाउडर। और ये कुछ बेसन है थोड़ा सा, तीन से चार चम्मच। इसको हम अंदाज से डालेंगे कोफ्ता में, क्योंकि एक साथ डालने पे क्या होता है कि बेसन का ज़्यादा टेस्ट आ जाएगा, इसलिए हम उसको थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। बस बाइंडिंग के लिए हमको चाहिए, इसलिए इतना बेसन लिया है हमने। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा आधा केजी कटहल था, उसको हमने छीला है। तो छीलने और काटने के बाद जो है, बीच का जो पोर्शन है, थोड़ा सा जो कड़ा वाला पोर्शन रहता है, उसको हमने निकाल दिया है इसमें से। इस तरह से निकाल दीजिएगा, क्योंकि वो ऐसे भी थोड़ा अच्छा नहीं लगता है सब्जी में। और उस आधा केजी कटहल को छीलने के बाद मेरा इतना बचा है। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, कोफ्ता बनाने के लिए इसको कुकर में बॉयल कर रहे हैं। ये देखिए, इस कुकर में डाल दिया मैंने, और अब इसमें 2 कप पानी डाल रहे हैं। इस तरह से 2 कप मैंने पानी डाल दिया। ये देखिए, अब इसमें थोड़ा सा नमक और हम थोड़ा सा हल्दी भी डाल रहे हैं, ताकि कटहल का कोफ्ता का जो कलर है ना, बहुत अच्छा आता है। अगर आपकी इच्छा नहीं होगी तो नहीं डालिएगा, लेकिन एक बार आप इस तरह से हल्दी डाल के भी बॉईल करके देखिएगा तो कलर बहुत अच्छा आएगा कोफ्ता का। और इसको ढककर कुकर को बंद कर रहे हैं, और एक सीटी से दो सीटी के लगभग जब आएगा तो उसको हम बंद कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा कटहल बॉयल हो चुका है। अब दिखाती हूँ मैं खोल कर आपको। ये देखिए, इस तरह से हल्दी दिया था हमने, इसलिए इसका कलर येलो है। अब इसको हम छान लेते हैं, अभी गर्म है। ये देखिए, इस तरह से इसको छान लीजिए और थोड़ा सा ठंडा होने दे रहे हैं, फिर दिखाते हैं आपको कि इसको क्या करना है। ये देखिए, अब इस कटहल को जो है, थोड़ा सा जब ठंडा हो जाए तो इस तरह से प्लेट में निकाल लीजिए, और इसको पोटैटो मैशर जो होता है उससे आप इस तरह से, नहीं तो ग्लास वगैरह या कटोरी वगैरह भी है उसके पीछे से भी इस तरह से कीजिएगा, मैश हो जाएगा। इस तरह से सारे कटहल को मैश कर देना है। अगर इसमें जैसे इस टाइप का अगर ज़्यादा बीज निकल रहा है जो कि नहीं उसमें मैश हो रहा है, तो इसको हटा दीजिए, नहीं तो आप रख भी सकते हैं, उसका भी टेस्ट अच्छा लगता है। इस तरह से मैश कर लेना। ये देखिए फ्रेंड्स, कटहल को मैश किया था वो इस तरह से मैश करके एक बाउल में निकाल लिए हैं, इसको इस तरह से निकला है। अब इसमें हम ना कुछ कुछ मसाला डालते हैं। पहले हम 2 चम्मच बेसन डाल रहे हैं, स्टार्टिंग में ज़्यादा नहीं डालेंगे, क्योंकि अगर ज़रूरत रहेगी बाद में तब और ज़्यादा डालेंगे। और थोड़ा सा हल्दी पाउडर, ये थोड़ा सा गोल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर है, ये भुना हुआ जीरा पाउडर। और ये नमक जाएगा अंदाज से, क्योंकि हमने कटहल में भी थोड़ा सा नमक डाला था। और ये जो लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा डाल रहे हैं, आप अगर ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। और ये जो अदरक लहसुन और लाल मिर्च का जो पेस्ट बनाया था, उसका थोड़ा सा मैं इसमें डाल रही हूँ इस तरह से। अब क्या करना है, इसको इस तरह से हाथ से मिक्स करके सबको, ये सबको मिक्स कर ले रहे हैं। ये ऐसा मिक्स करना है कि उसमें एक छोटा छोटा बॉल जैसा बन जाए।
ये देखिए इस तरह से मिक्स कर लिए हैं, लेकिन अभी हमको लग रहा है कि इसमें थोड़ा सा और बेसन की जरूरत है, तो थोड़ा सा और डाल दे रहे हैं, लगभग 1 चम्मच। और फिर से अब इसको मिक्स कर दे रहे हैं। देखिए मेरा हो गया है। आपको इस समय आवाज जा रहा होगा फल बेचने का, सुबह सुबह सब लोग फल बेचने आते हैं ना, फल वाले वही सब। ये देखिए इस तरह से मेरा बनने लगा छोटा छोटा बॉल। ऐसे ही बॉल बना बनाकर हम रख लेते हैं प्लेट में, उसके बाद इसको फ्राई करना है। और देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही सॉफ्ट कोफ्ता बनेगा इस तरह से। ज्यादा बेसन डाल दीजिएगा तो उसमें बेसन का ज्यादा टेस्ट भी आ जाएगा और थोड़ा कड़ा हो जाएगा कोफ्ता, जो है कड़ा हो जाएगा। इस तरह से आप बनाइए तो कोफ्ता बहुत ही सॉफ्ट बनेगा और उसका जो ग्रेवी रहेगा वो अंदर तक जाएगा भी। इस तरह से हम बॉल बना के रख लेते हैं। और फ्रेंड्स, जब तक हम इधर कोफ्ता का बॉल बना रहे हैं, तब तक इधर हमने अपना कढ़ाई चढ़ा दिया है ताकि वो गर्म होगा, फिर उसमें तेल डाल के इसको फ्राई करना है। अब इसको भी हम बना के आपको फ्राई करके भी दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, सारा बॉल मैंने बना लिया है। अब इसको चलती हूँ मैं फ्राई करने। मेरा कढ़ाई भी गर्म हो गया है, में तेल डाल रहे हैं, सरसों तेल में हम बना रहे हैं। सरसों तेल में ये सब सब्जी अगर आप बनाते हैं तो बहुत ही टेस्टी बनेगा, तेल का भी अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। ऐसे आप जो ऑयल पसंद करते हैं उसमें बना सकते हैं, बट एक सरसों तेल में ये सब सब्जी बनाइएगा तो बहुत टेस्टी बनेगा। तेल मेरा गर्म हो गया है, अब इसी समय ये सब जो हमने छोटा छोटा बॉल बनाया था इसको डाल दे रही हूँ। और मीडियम फ्लेम रखिएगा गैस का, बहुत लो भी नहीं और बहुत हाई भी नहीं। इस तरह से, और तुरंत नहीं चलाना है, थोड़ी देर के बाद चलाइएगा, नहीं तो वो फटने का डर है। तेल को इस तरह से अगर आप ऊपर अपने ये छोलनी है उसे इस तरह से ऐसे ऐसे कीजिएगा तो तेल ऊपर आ जाएगा, तो ऊपर वाला पोर्शन भी जो है ना आपका एक साथ तेल में पकेगा। ये देखिए अब हम इसको पलट रहे हैं। ये देखिए इस तरह से हम आपको दिखाएंगे, बहुत सॉफ्ट बना है। बस आपको ध्यान रखना है बेसन जो है बहुत ही सोच समझ के देना है उसमें कितना आपका क्वांटिटी। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पे पहली बार आए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मायने रखता है, हम लोग भी मेहनत करते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और ये देखिए इस तरह से एक बार बनाइए और मेरे बनाए हुए पे कॉमेंट भी ज़रूर कीजिएगा कैसा बनाया हमने। ये देखिए मेरा ये कोफ्ता हो गया है, इसको हम निकाल रहे हैं इस तरह से। ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है। इसी तरह से इस कलर से ही आप, इस कलर में ही जब हो जाए आपका कोफ्ता तो ऐसे ही तेल से निकाल लीजिए। और इसको हमने प्लेट में टिश्यू पेपर पे निकाल लिया है। अब ये जो दूसरा वाला है उसको भी डाल दे रहे हैं। ये देखिए इसको भी इस तरह से डाल दे रहे हैं। इसको भी वैसे ही, ये देखिए मेरा दूसरा वाला भी जो डाले थे वो बनकर तैयार हो गया है। अब इसको हम निकाल ले रहे हैं, इसके बाद बनाएंगे ग्रेवी। ये देखिए इस तरह से, सारे को निकाल लीजिए। अब तेल ज्यादा लग रहा है तो कुछ तेल हम निकाल लेते हैं, ग्रेवी के लिए तेल ज्यादा लग रहा है। तब तक हम ये दिखाते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए मेरा जो ये बनकर तैयार हुआ, देखिए कितना सॉफ्ट हुआ। ये देखिए, तो इस तरह से बनाइए आप एक बार, देखिए बना के, थोड़ा भी कड़ा नहीं होगा। अब उसी तेल में, तेल थोड़ा ज्यादा था तो हमने थोड़ा सा तेल निकाल लिया है। अब उसी तेल में हम ये जीरा डाल रहे हैं और छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का है, ये जावित्री है, इस तरह से ये डाल रहे हैं। 2 तेज पत्ता और ये बड़ी इलायची और छोटी इलायची को थोड़ा सा हमने ऐसे ही खाल में कूट लिया था, इसको डाल दे रहे हैं। और मेरा ये फोरन जो है जल गया। अब इसी समय ये जो प्याज हम पीस के रखे थे इस प्याज को डालें। मेरा दूध वाला आ गया, देखिए इस तरह से प्याज इसमें डाल दिए। थोड़ी देर प्याज जब भुजा जाएगा तब हम इसमें टमाटर डालेंगे। तब तक हम क्या कर रहे थे, ये कटोरी मेरा प्याज का था तो इसमें अभी ये जो टमाटर हमने पीसा था इसका पानी इसमें डाल दे रहे हैं और इसमें ये सारे मसाले को डालकर थोड़ा सा फूलने डाल रहे हैं।
थोड़ा सा मसाला को, अगर ये जीरा पाउडर है, थोड़ा सा मसाला को अगर फुला के डालिएगा तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है सब्जी का। और ये धनिया पाउडर, गोल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आप जैसा तीखा पसंद करते हैं वैसा डालिएगा। और इसमें हम इस तरह से इसको मिक्स कर ले रहे हैं, जब तक मेरा प्याज और टमाटर ये मतलब भुजाएगा तब तक मेरा ये मसाला जो अच्छे से फूल जाएगा, फिर उसमें हम डालेंगे। ये मेरा प्याज भुजा रहा है तो इसी समय हम इसमें अदरक लहसुन जो पेस्ट बना के उसको भी इसी समय डाल देंगे, साथ में ये भी अच्छे से भुजा जाएगा। ये देखिए मैं इस तरह से प्याज अभी भुजा रहा है, इसी समय क्या करेंगे टमाटर भी डाल दे रहे हैं ताकि टमाटर भी मेरा साथ में ही अच्छे से भुजा जाए, मसाला मेरा जितना अच्छे से भुजिएगा सब्जी का टेस्ट भी उतना ही अच्छा आएगा। टमाटर डाले हैं, अब हम इसी समय क्या करते हैं कि नमक भी डाल रहे हैं। नमक थोड़ा ध्यान से डालना है क्योंकि कोफ्ता में भी नमक था, तो ये ग्रेवी के लिए ही है, तो ग्रेवी का जितना आपके पास आपका ग्रेवी है उतना ध्यान में रखते हुए नमक डालना है। इस तरह से अब इसको हम भून लेते हैं। ये देखिए मेरा प्याज और टमाटर जो है अच्छे से भुजा गया है, तेल भी देखिए तेल इस तरह से छोड़ दिया है। अब इसी समय क्या करेंगे, जो पानी में मसाला डाले थे उसको डाल दे रहे थे, थोड़ा सा मेरा पतला हो गया है, पानी ज़्यादा था एक्चुअली, टमाटर का पानी था तो उसको हम फेंकना नहीं चाह रहे थे इसीलिए। और इसको भी थोड़ी देर 5 से 8 मिनट इसको भी चला देंगे ताकि मसाला भी अच्छे से इसके साथ भुजा। ये देखिए फ्रेंड मेरा मसाला भी भूज कर तैयार हो गया है, अब हम इसमें इसी समय पानी डाल रहे हैं। ये जो मेरा मसाला वाला कटोरी था ना उसका पानी भी अभी डाल दे रहे हैं, और फिर और एक्स्ट्रा इस तरह से और इसको अभी खोलने देते हैं, तुरंत कोफ्ता को नहीं डालिएगा, बहुत ज़्यादा देर तक कोफ्ता को डाल के खोलाना नहीं है। इधर मेरा दाल चढ़ा हुआ है, वो कुकर का सीटी भी देने लगा है। और फ्रेंड्स कहाँ से देख रहे हैं आप लोग मेरा वीडियो ज़रूर बताइएगा, यहाँ तो पटना में बहुत गर्मी है, आप लोग कहाँ के हैं, वहाँ का कैसा वेदर है बताइएगा। और इसको थोड़ा सा अभी हम ढक दे रहे हैं। ये देखिए मेरा ग्रेवी में अच्छे से उबाल आ गया है, खोल रहा है। इसी समय क्या करेंगे हम थोड़ा सा गरम मसाला डाल रहे हैं, गरम मसाला डालने के बाद थोड़ा सा और इसको खोला दीजिए। ये देखिए मेरा ग्रेवी अब तैयार है, अब क्या करेंगे इसी समय ये जो हमने जो भी कोफ्ता फ्राई करके रखा है सबको डाल देना है। और इसमें पानी थोड़ा ज़्यादा ग्रेवी में ज़्यादा डालिएगा क्योंकि कोफ्ता जो होता है ना तो अच्छे से पानी को सोखता है। और कोफ्ता ये डालने के बाद ज़्यादा देर नहीं आपको खोलाना है कि काफ़ी देर इसको खोला रहे हैं, क्योंकि ग्रेवी तो मेरा ऑलरेडी हो चुका है, बस थोड़ा सा 1 से 2 मिनट खोलाने के बाद गैस बंद कर दीजिए। और इसी समय हम डाल दे रहे हैं धनिया पत्ता, ये देखिए धनिया पत्ता से और आपका सब्जी का स्वाद बहुत बढ़ जाएगा। बस इसको ढक दे रहे हैं और गैस बंद कर दे रहे हैं, गैस को बंद कर दिए, अब दिखाते हैं हम आपको। ये देखिए मेरा सब्जी बन गया है, अब हम आपको दिखाते हैं इसको निकाल के बाउल में। इस तरह से एक बार आप इस तरह से बना के देखिए, और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, देखिए फ्रेंड्स हम आपको दिखाते हैं कि मेरा कोफ्ता कितना सॉफ्ट बना है। ये देखिए इसमें, ये देखिए कितना सॉफ्ट बना है अच्छे से, ये देखिए इस तरह से। और एक बार आप इस तरह से आप भी बना के देखिए कैसा, और बताइए कि कैसा बना आपका, और आप बताइए ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके थैंक यू, बाय बाय।